नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत भी हो चुकी है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। इस मौके पर देश भर में मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। यूपी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज दिन भर सामने आई। 5 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए, माफ कीजिएगा, 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में भक्त आज दर्शनों के लिए पहुंचे थे। पहली तस्वीर कृष्ण नगरी मथुरा की है। वृंदावन की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, फर्रुखाबाद की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर और उन्नाव की तस्वीरें, 4 जगहों की तस्वीरें पूरे यूपी को अपने आप में समेटे हुए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत से आज सामने आई है। मंदिरों में माँ के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। घरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। व्रती आज व्रत रख रहे हैं और कुल मिलाकर मां शैलपुत्री के स्वरूप की आज पूरा देश पूजा कर रहा है। इस मौके पर हर ओर मां के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। यूपी में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। पहले दिन मां के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़, जो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मंदिरों में किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो देखने को मिली है। कान्हा की नगरी में नवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक ये धूम जारी रहेगी। माता रानी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं मथुरा में सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा बांके बिहारी मंदिर में किस तरह से हादसा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रशासनिक व्यवस्था में ढील नजर आएगी तो सवाल तो खड़े होंगे ही। मंदिरों में भक्तों की भीड़ तो आ रही है, लेकिन नगर निगम कुंभकर्ण सी नींद सो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मां चामुंडा देवी मंदिर के पास चामुंडा कॉलोनी में भी देखने को मिला है। रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं और रास्ते में कीचड़ भी भरा हुआ है। आपको याद होगा लगातार यूपी में बरसात देखने को मिल रही है, उसकी वजह से कीचड़ का जमावड़ा लगा हुआ है। बरसात हालांकि थम गई है, लेकिन उसके बावजूद अगर गलियों में कीचड़ नजर आएगा तो आप खुद सोचिए, जब बड़ी भीड़ इन इलाकों से गुजरेगी तो किस तरह का हादसा होने का डर कहीं ना कहीं यहां पर रहेगा। तो ऐसे में नगर निगम की जो जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। ना तो नगर निगम का ध्यान है, ना क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का, ना नगर निगम के कर्मचारियों का, ना आला अफसरों का ध्यान है, जिसका सीधा खामियाजा यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा है। आम राहगीर तो परेशान हैं ही, लेकिन नवरात्रि के पर्व पर पहुंचने वाले भक्तों को भी भारी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। नवरात्रि के पहले दिन जिस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ा है, ऐसे में लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। आने वाले दिनों में क्या व्यवस्थाएं मुकम्मल होंगी, क्या सुधरेंगी, इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। वृंदावन की तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की धूम यहां पर भी देखने को मिल रही है। चारों ओर माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां भगवती की 9 शक्तियों में से एक शैलपुत्री स्वरूप का भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और अपने व्रत की शुरुआत की। वहीं देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये 9 दिन तक आपको लगातार ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। और मथुरा और वृंदावन कृष्ण नगरी के नाम से मशहूर ये शहर, यहाँ पर तो अमूमन हर दिन इसी तरह का हर्षोल्लास देखने को मिलता है। हर दिन इसी तरह से मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और जब नवरात्र का मौका हो, नवरात्र का पहला दिन हो, तो फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पहुंचना तो लाजमी है। देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्त उमड़ रहे हैं। मथुरा दरवाजा स्थित पथवारी देवी मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ मां भगवती का जल और दूध से अभिषेक किया, पूजा अर्चना की और पुण्य लाभ कमाया। वहीं राधाबाग स्थित सिद्धपीठ कात्यायनी मंदिर में भी सुबह से ही स्थानीय समेत बाहर से आए महिला पुरुष भक्तों का आवागमन शुरू हो गया था, जहां भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए और पूजा कर स्वयं को धन्य किया। एक और तस्वीर फर्रुखाबाद की आपकी स्क्रीन पर है। भक्तों का तांता यहां पर भी आपको नजर आ रहा होगा। माँ के भक्त माँ को मनाने के लिए धूप दीप नैवेद्य लेकर मंदिरों में चढ़ाने में लगे हुए नजर आए।
अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइनों में लगे हुए लोग यहां पर भी नजर आए। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। सीता माता मंदिर में भारी संख्या में भक्त पहुंचकर मां से मन्नत मांगते हुए नजर आए। उन्नाव की तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्नाव के मंदिरों में भी पहले दिन भक्तों का सैलाब उमड़ा। प्राचीन कुशहरी माता मंदिर में भारी संख्या में भक्त पहुंचे। लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में किस तरह की व्यवस्था होगी, इन व्यवस्थाओं पर नजर रखना भी बेहद जरूरी है। आपको याद होगा कि 2 साल कोरोना का असर देखने को मिला था, जिसकी वजह से नवरात्र हो या फिर कोई और त्योहार हो या फिर कोई और आयोजन हो, हर वक्त मंदिरों में ताला लगा हुआ रहता था, जिसकी वजह से आम दिनों में भी श्रद्धालु मंदिरों में नहीं पहुंच पाते थे। तो अब जब कोरोना की पाबंदियां हट चुके हैं तो एक बार फिर से मंदिर गुलजार नजर आ रहे हैं और मां के भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मां का जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर रहे हैं और मां से कामना कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक रहे। कहते हैं कि आज के दिन यानी कि इन 9 दिनों में जो कोई भी मां की सच्चे मन से आराधना करता है, मां की पूजा करती है उसकी सारी मनोकामनाएं मां पूर्ण कर देती हैं। हेमा मालिनी का एक बयान तो आपको याद ही होगा। हेमा मालिनी ने कंगना रनौत के मथुरा से चुनाव लड़ने पर कहा था कि ऐसे क्या कोई भी चुनाव आकर के लड़ जाएगा, अगर राखी सावंत कल को यहां से चुनाव लड़ेंगी तो क्या ये बात सच हो जाएगी। अब हेमा मालिनी के उसी बयान पर राखी सावंत ने पलटवार किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत ने लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। सांसद हेमा मालिनी के बयान को स्वीकार करते हुए राखी सावंत ने उन्हें जवाब दिया। राखी सावंत ने कहा कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी क्योंकि मैं भी देश की सेवा करना चाहती हूं। अब राखी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हेमा मालिनी शनिवार को मथुरा में थी, मीडियाकर्मी हेमा मालिनी से बातचीत कर रहे थे। कंगना रनौत के मथुरा से चुनाव लड़ने के बारे में हेमा मालिनी से इस दौरान सवाल पूछा गया था। मथुरा से ही सांसद हैं हेमा मालिनी, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या कंगना रनौत अब मथुरा से चुनाव लड़ने वाली हैं। इस पर हेमा मालिनी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मेरा विचार मैं बताऊं क्या, मेरा विचार भगवान के ऊपर है। लॉर्ड कृष्णा विल डू व्हाट यू वांट, बस आप सब में दिमाग में डाल रखा है कि यहां फिल्म स्टार ही बनेगा, आपको मथुरा में सब फिल्म स्टार ही चाहिए। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि ऐसे तो कल राखी सावंत भी आ जाएंगी, उन्होंने ये बयान दिया था। उस पर अब राखी सावंत जो अक्सर अपने वीडियोस को लेकर के सुर्खियों में रहती हैं, पब्लिसिटी के लिए बयानबाजी करती हुई भी नजर आती हैं, अब ऐसे में क्या राखी सावंत चुनाव लड़ेंगी, ये बड़ा सवाल अब उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले मुंबई में भी राखी सावंत ने चुनाव लड़ने की वहां पर कोशिश की थी, हालांकि सफलता उन्हें वहां पर नहीं मिल पाई थी। अब मथुरा से क्या एक बार फिर से फिल्मी दुनिया से ही कोई हस्ती चुनाव लड़ेगी, यह सवाल बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में कंगना रनौत के मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें जरूर तेज हुई थी और ऐसे में जब मौजूदा सांसद हेमा मालिनी से इसको लेकर के सवाल पूछा जाएगा तो उनका भड़कना भी लाजमी था कि क्या बीजेपी उनका पत्ता काट रही है। तो ऐसे में जब फिल्म स्टार ही यहां से चुनाव लड़ेंगे, इस तरह के सवाल हेमा मालिनी से पूछे जाते हैं, तो फिर हेमा मालिनी उस पर प्रतिक्रिया देती हैं और राखी सावंत पर तंज कसती हुई नजर आती हैं। हालांकि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, उन्होंने केवल राखी सावंत का नाम ही यहां पर लिया था, लेकिन राखी सावंत पलटवार करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रही हैं और उन्होंने जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है उसमें वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी क्योंकि मैं भी देश की सेवा करना चाहती हूं। अब देश सेवा का भाव इसमें कितना है और पब्लिसिटी स्टंट कितना है, ये कहीं ना कहीं लोग भी बखूबी समझते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राखी सावंत जो चुनाव लड़ने की बात तो कह रही हैं, क्या चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी।
खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। तो मुजफ्फरनगर से भयंकर सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां रोडवेज बस और एक कार के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक यूपी पुलिस का जवान भी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कार दिल्ली से हरिद्वार जा रही थी, इसी दौरान रोडवेज बस से कार की टक्कर हो गई। मंसूरपुर थाना इलाके के देवराणा होटल के पास ये घटना हुई है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से कार के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। हादसा कितना खतरनाक रहा होगा, कितनी खतरनाक ये टक्कर रही होगी, आप तस्वीरों के जरिए खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात आजम खान की भी कर लेते हैं। आजम खान के मुद्दे को लेकर के सपा विधानसभा में खूब हंगामा देखने को मिला था। अब रामपुर पुलिस कहीं ना कहीं आजम खान पर शिकंजा कसती हुई भी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी भले ही यह कह रही है कि आजम खान को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब आजम खान एक नए विवाद में फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल सपा नेता आजम खान ने अपनी सुरक्षा में मिली पुलिस फोर्स को वापस लौटा दिया है। इतना ही नहीं, आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी सुरक्षा में मिले एक गनर को बिना जानकारी दिए वापस लौटा दिया है और खुद को नजरबंद कर लिया है। ऐसे में सुरक्षा में लगे सभी पुलिसकर्मी वापस रामपुर आ गए हैं और उन्होंने अपनी आमद रामपुर में दर्ज कराई है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सपा नेता आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें उन्हें तीन गनर मिले थे जिनको उन्होंने बिना कोई वजह बताए वापस जाने को कह दिया। वहीं सपा विधायक अब्दुल्ला आजम अपने सुरक्षा कर्मी को छोड़कर गायब हो गए। उनका गनर 22 तारीख से उन्हें खोज रहा है। अब पुलिस के पास पिता और बेटे को लेकर कोई जानकारी नहीं है। जब सुरक्षा को वापस बुलाना चाहेंगे तो सुरक्षा दी जाएगी, ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस की माने तो आजम खान 23 तारीख को दिल्ली में थे, जिसके बाद से उनका कोई भी पता पुलिस के पास नहीं है। इस बारे में अपर पुलिस अधिकारी संसार सिंह ने बताया कि माननीय विधायक आजम खान साहब के पास तीन गनर थे, उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। तीनों गनर ने आकर पुलिस लाइन में बताया कि 23 तारीख को वो दिल्ली में थे और गंगाराम हॉस्पिटल में मोहम्मद आजम खान साहब की सुरक्षा में लगे हुए थे। उन्हें वहां से कहा गया कि तुम लोग वापस रामपुर चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तीनों गनर वापस आ गए हैं, उन्हें पुलिस में आमद दर्ज करवा दी गई है। दो तीन दिन तक ये लोग इंतजार भी करते रहे कि शायद हो सकता है माननीय विधायक जी वापस लौट कर आए, लेकिन वो नहीं आए, तो इन लोगों ने तीनों गनर वापस कर लिए हैं और जब इनकी जरूरत होगी या इन्हें आजम परिवार की ओर से बुलाया जाएगा तो गनर को पुलिस भेज देगी। इसी तरह से माननीय विधायक अब्दुल्ला आजम साहब ने उनके गनर उनको 22 तारीख से खोज रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला आजम का मोबाइल बंद है। गनर घर जाता है तो घर से उनकी कोई लोकेशन नहीं मिलती है, ना उसे कुछ बताया जाता है कि माननीय विधायक हैं तो हैं कहां। तो ऐसे में उस गनर को भी वापस कर लिया गया है, जब उन्हें जरूरत होगी तो उन्हें गनर भी दे दिया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम के द्वारा गनर्स को वापस करने की कोई वजह नहीं बताई गई है। एक को तो कुछ बताया ही नहीं है, माननीय विधायक अब्दुल्ला आजम साहब ने ना कुछ बताया है और साथ ही साथ वो गायब भी हो गए हैं और कोई जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस के मुताबिक इस वक्त आजम खान की कोई लोकेशन पुलिस के पास नहीं है, अभी यह नहीं पता है कि वो कहां पर हैं, लेकिन वो 23 तारीख को दिल्ली में थे जो गनर ने आकर उन्हें जानकारी दी है। तो अब्दुल्ला आजम और आजम खान ने अपनी सुरक्षा वापस लौटा दी है। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये तो अब्दुल्ला आजम या फिर आजम खान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा इस बारे में अब्दुल्ला आजम या आजम खान की ओर से बयान कब तक दर्ज करवाया जाता है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि हमें कोई लोकेशन उनके बारे में पता नहीं है, अगर उनके द्वारा सुरक्षा मांगी जाएगी तो फिर उन्हें सुरक्षा दे दी जाएगी। तो विधायक जी का मोबाइल बंद है, उनके ड्राइवर का ही मोबाइल बंद है, गनर घर जाता है तो घर से उनकी कोई लोकेशन नहीं मिलती, ना उससे कुछ बताया जाता है कि माननीय विधायक हैं कहाँ। तो उस गनर को ही वापस कर लिया गया है, जब उन्हें जरूरत होगी तो उन्हें गनर वापस दे दिया जाएगा।
तो ये कितने ये वजह करने की वापस करने की वजह आपने पूछी सुरक्षा कर्मियों से क्या नहीं मतलब बताया? वजह नहीं बताई सिपाहियों को, अच्छा सीधे एक को तो कुछ बताया ही नहीं, माननीय विधायक अब्दुल्ला आजम साहब ने तो कुछ बताया ही नहीं, वो तो गायब हो गए। तो विधायक जी, यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।